गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर जनरेशन एंड वी विल सी हाउ कंप्यूटर को कैसे डेवलप किया गया, कंप्यूटर कैसे जनरेशन किए गए। दैट मीन्स वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, यानी कि हर जेनरेशन में क्लास एक टाइप्स था और हर जेनरेशन का कंप्यूटर किसी न किसी चीज पे आधारित ही था। अगर बात करें हम लोग फर्स्ट जेनरेशन की, अगर बात होगी तो आप ध्यान देंगे जो फर्स्ट जेनरेशन था 1946 टू 1959 यानी कि क्लास 1946 से लेकर 1959 का जो दौर था, जो काल था, जो समय था, वह आपका फर्स्ट जनरेशन का था। लेकिन यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आधारित किस पे था? वैक्यूम ट्यूब्स पे। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है कि यह इनोवेशन यह कब आया, फर्स्ट जनरेशन कब था। लेकिन सिर्फ आपको इस भी याद कर लेने से हिस्ट्री तो नहीं है कि 1946 से 1959, आपको जनरेशन के साथ ही साथ आपको उसका आधार भी याद करना होगा, आधार भी दिमाग में रखना होगा। यानी कि आपके माइंड में यह रहना चाहिए कि 1946 से 1959 का जो दौर था वह वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर का था। किसका था? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर का। ठीक है क्लास। सेकेंड जेनरेशन जो आया आपका 1959 टू 1965, यानी 1959 से लेकर 1965 तक जो समय था वो किस चीज का था? सेकेंड जनरेशन का। और इस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1959 टू 1965 ये आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड था। किस बेस्ड था अंशु कुमार? ट्रांजिस्टर बेस्ड। क्लियर है? आप बताइए क्या बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको अंशु? यस या नो? तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक दिन एवरीडे टाइम पे रहिएगा और ये सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके सभी लेक्चर्स को जो भी आपके क्लास से संदर्भित है, रिलेटेड है, आप एक बार उसको रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, ताकि जो चीज टॉपिक आप समझ नहीं पाए या छूट गया हो तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी बहुत सारे रिकॉर्डेड है। तो एक बार आप देख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कुछ से समझ के बनाने का। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। थर्ड जनरेशन जो जनरेशन था, यह दौर एक ऐसा दौर था जब कंप्यूटर्स की इनोवेशंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर का अगर वास्तविक में अपने असली रूप में जब आना शुरू हुआ तो 1965 टू 1971। क्योंकि इस समय आईसी का कंसेप्ट आ गया था। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कैसा होता है आईसी, मैं डायग्राम बना देता हूं और शायद आपको, आप लोगों को याद भी हो, आईसी देखे भी होंगे। मुझे उम्मीद लगता है कि शायद मैं आप लोगों को एक दो बार इस चीज के बारे में बताया भी होगा, है ना। और मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको अंशु आईसी का डायग्राम याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास में भी बनाया था और ऐसे भी डिस्कस किया था। याद है आपको आईसी मैंने बनाया था? यस सर। आईसी देखिए, थ्री लाइन, यस, डायग्राम कॉपी में बना लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए, आज आईसी के कारण कंप्यूटर का बदलाव हो गया। आज आप देखेंगे कुछ पंखा, फैन, ऐसे ऐसे फैन आ गए हैं जिसमें कॉइल का कंसेप्ट अब नहीं है। कॉइल समझते हैं ना, जो फैन के ऊपर लगता है। अब क्या है, फैन ऐसा आ गया है, देखिए उस कॉइल की जगह पर क्या लगा रहता है? आईसी लगा हुआ होता है, ऐसा फैन आ चुका है। तो आईसी क्या करता है, एक बहुत बड़ा चेंजिंग कर दिया कंप्यूटर्स में, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया इसने। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन शायद कंप्यूटर्स की दुनिया में अगर कोई महत्वपूर्ण था तो आईसी ही था। बहुत बड़ा परिवर्तन किया आईसी ने। सेंड कर दीजिए इसको अंशु। तो आईसी जो आप समझ गए होंगे, यानी इंटीग्रेटेड, ये जो 3-3 लाइन जो दिख रहा है ना क्लास, ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर्स, A3 या A3, ये सभी क्या है, ट्रांजिस्टर्स हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिस्टर्स।
जिसको आप कहेंगे हियर यू विल स्पीक दिस आर द ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स, अब देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता था, एक आप लोग बता, एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज अ, लिख लीजिए, इज अ सेमीकंडक्टर, ये सभी ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे। ट्रांजिस्टर ये भी क्या थे आपके, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, और ये भी क्या आपका, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स तो ये सारी चीज आपके सामने आ गए। ट्रांजिस्टर समझ गए, ये सभी क्या है, ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर्स फर्स्ट, ट्रांजिस्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, इन सारी चीजों को आप समझेंगे। अब देखिए ट्रांजिस्टर्स के बाद थर्ड जनरेशन जो आया आपका, सॉरी थर्ड जनरेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर पहले क्या था, सबके लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर्स, अब क्या हुआ कि सभी ट्रांजिस्टर्स, जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं आपके पास, ध्यान देंगे क्लास, ये सभी ट्रांजिस्टर्स क्या हुए, आपस में मर्ज हो गए। याद देखिए, यानी यह ट्रांजिस्टर मिल गया इससे, ये ट्रांजिस्टर मिल गए इससे, यह ट्रांजिस्टर मिल गए इससे, इसका डायग्राम आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर अलग अलग यूज हो रहे थे, अब इकट्ठे सभी यूज होने लगे, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होना ही था। तो आप कह सकते हैं कि आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, ठीक है क्लास। अब देखिए आईसी हो गया, ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। यह दौर एक ऐसा दौर था जब माइक्रो प्रोसेसर के कंसेप्ट आ गए थे, यानी कि 1971, यानी 1971 to 1980, यानी 1971 से लेकर 1980 का जो समय था, आप समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़ा, इसने भी बदलाव किया। जो एक सिस्टम्स आदमी सोचते थे कि हम कैसे यूज कर पाएंगे एक डेस्कटॉप, सो कॉन्सेप्ट आसानी से यूज करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत आसानी किया। VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिख लीजिए VLSI क्या होता है क्लास, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो। लेकिन अभी भी माइक्रो प्रोसेसर उस टाइप का नहीं था, माइक्रो प्रोसेसर तो थे ही थे, लेकिन वह आपका आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सल था या अल्ट्रा वायलेट, आपका क्या था, वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर था, तो कहीं ना कहीं भी चीजें थी। फिर फिफ्थ जनरेशन आया क्लास, इसमें क्या किया गया कि 1980 के बाद जो भी समय चला, जो भी युग चले, जो भी स्थिति चली, सब फिफ्थ जनरेशन ही कहलाया। और ये क्या था आपका, ULSI था, यानी कि यूनिवर्सल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राइट डाउन, आप इसको नोट कर रहे हैं या नहीं, अंशु कुमार, कॉपी नहीं है बगल में, नोट कर रहे हैं सर। अच्छा, तो कभी कभी आप अपना वीडियो भी हमको फोटो दिखा दिया कीजिएगा ऑन करके वेब कैमरा फ्रंट से, ताकि हम देख तो ले क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। गंजी उंजी पहने रहिएगा तो मत दिखाइएगा, प्रॉपर वे में रहिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो बाद में देख लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डेड ध्यान देंगे। तो फिफ्थ जनरेशन क्या हो गया हमारा, किस पेज पे था, ULSI, यानी कि यूनिवर्सल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमें लगता है कि जनरेशन आप लोग समझ चुके होंगे। इसको अंशु स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए ग्रुप में जल्दी से, डू फास्ट अंशु, जल्दी कीजिए। यस, तीन थ्री फिंगर्स का स्क्रीन लेके आता है ना, थ्री, हाँ चलिए, वेरी गुड,
चलिए आखिरकार अब आप इंटेलिजेंट हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जनरेशन की, हर जनरेशन की चर्चा करेंगे और इस हर जनरेशन की चर्चा और परिचर्चा दोनों में समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर बदलाव का आधार क्या है, क्या आधार होता है कि बदलाव होता है। आज आप देख रहे हैं अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स आ रहे हैं, आने वाले 10 ईयर्स 10 साल में देखेंगे अब आपका मॉनिटर टेबल हट जाएगा, आर्टिफिशियल AI बेस्ड कंप्यूटर है, रोबोट आ जाएगा मॉनिटर के रूप में। बहुत सारी बदलाव हो गई, चेंजिंग, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट जनरेशन से डिस्कस करते हैं। वर्तमान को जानने के लिए एक बार इतिहास की ओर चलना ही पड़ता है, तो पहले तो पिछला जान लें, शायद ये आप लोगों को बेहतर समझ में आए। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वॉज फ्रॉम 1946 टू 1959। प्रथम जनरेशन जो कंप्यूटर का जो समय था, जो काल था, 1946 से 1959 का था। यह वह दौर था और वह समय था जब कंप्यूटर का होना ही, अस्तित्व में होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। आपके पास कुछ नहीं हो और वो चीज आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। आज से 20 साल पहले स्मार्टफोन क्या था, किसी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी। और जब 2008 में बहुत सारे सिस्टम्स आप कह सकते हैं कि ब्लैकबेरी वगैरह भी लाए, लेकिन लोग यूज नहीं करने लगे। आज देखिए स्मार्टफोन एक मजदूर के लिए भी, एक लेबर जो आपका काम करता है या आपके घर में काम करता है, या आपका एक आप शू मेकर को देख लीजिए, रिक्शा पुलर को देख लीजिए, दुकान में चले जाइए, क्या आज स्मार्टफोन से कोई अछूता है, कोई बचा हुआ है? हर तो है ना, कहीं ना कहीं इस चीज का भी एक आधार होता है। तो पहले क्या था, कंप्यूटर जो पहला जनरेशन का था क्या था, बहुत बड़ा था, बहुत। आज से 20 साल, आज से 15 साल पहले, आज से 10 साल पहले का स्मार्टफोन और अभी का स्मार्टफोन में जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। पहले के फोन में 512 MB रैम देता था और फोन की कीमत रहती थी, सैमसंग मोबाइल निकाला था, मैंने भी परचेज किया था, शायद आप लोग भी किए होंगे, गैलेक्सी आया करता था, और उसकी कीमत कितनी थी क्लास, 25,000-30,000। फोन का मेमोरी कितना, बहुत कम। प्रोसेसर कितना, बहुत कम। रैम कितना, बहुत कम। स्पेस कितना, बहुत कम। ग्राफिक्स कितना, बहुत कम। कीमत कितना, बहुत ज्यादा। तो समझ में आ गया ना। लेकिन आज देखिए 5,000 के अंदर इतना बेहतरीन फोन हो जाता है कि उस समय 25,000 के फोन से बेहतर रहता। यस यानो, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होते रहता है। आइए हम लोग अब उस पर चलते हैं। तो पहला जो जनरेशन कंप्यूटर का था ना, आप कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता था। किसको यूज करता था, वैक्यूम ट्यूब्स को। वो वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे बिट्टू, क्या था वो, बेसिक कंपोनेंट होता था किसके, मेमोरी एंड सर्किट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। अब कह सकते हैं कि दीज ट्यूब्स, यह ट्यूब किस तरह का था, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह तो था ही, प्रोड्यूस क्या करता था, लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा बिजली उत्पन्न करता था। एंड द इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज, और इंस्टॉलेशन यूज किया जाता था ताकि फ्यूज पे कर लो, इसीलिए दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव, वो क्या थे, बहुत ही महंगा। एंड ओनली आप कह सकते हैं, एंड ओनली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी अब था। अब समझिए पहला जो जनरेशन कंप्यूटर था ना, आप कह सकते हैं कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। शायद आप लोग सरप्राइज होंगे कि कहेंगे कि सर शायद सचमुच इतना बड़ा होता होगा। देखिए इतना बड़ा, इसमें समझिए कि एक गोडाउन जो आ जाए पूरी कंप्यूटर, पूरा एक गोडाउन देखते हैं, गोडाउन जानते हैं, वो गोडाउन में आता था कंप्यूटर। और काम क्या, सिर्फ कैलकुलेशन का, नॉर्मल। सोचिए कितनी बड़ी, वो कैसा दौर था, क्या समय रहा होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया, जब कोई चीज का इन्वेस्टमेंट होता है तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ी चीज होती है किसी के लिए, लेकिन सोचिए एक गोडाउन जहां सामान रखे जाते हैं, उतने बड़े गोडाउन में एक कंप्यूटर आता था, कल्पना कीजिए। विचारने योग्य प्रश्न है कि आखिर कितनी बड़ी ये विडंबना होगी
कि उस कंप्यूटर को मैनेज करना, पूरे हाजीपुर का इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई होता था, 1,50,000 इतना यूनिट जाता था। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, कितना ज़्यादा पावर कंजम्पन्स होते थे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे रहते थे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगा हुआ रहता था। तो क्या था, वो बहुत ही कम्प्लेक्स कंप्यूटर था। देखिए इसमें क्या था, इन दिस जेनरेशन, आप जरा इसका डायग्राम देखिए, मैं बता भी देते हैं। इन दिस जेनरेशन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उस समय के जो फर्स्ट जेनरेशन का कंप्यूटर था उस समय किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था। क्लास आप पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए यूज करते थे। और उस समय जो कोडिंग यूज किया जाता था, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था, मशीन लैंग्वेज। किस तरह का, मशीन लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, पहली बात उसमें कौन तरह, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे थे, जल्दी से बताइए। अंशु कुमार बोल क्यों नहीं रहे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैथ, मैथ नहीं, बैच, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, और फिर उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किया जा रहा था कौन सा, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सोचिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जांपल, कितने ज़्यादा इसमें समझिए कि रेसिस्टर्स कितना लगा रहता था, 1 रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स, ये सब किसका, फर्स्ट जनरेशन का। फिर ट्रांजिस्टर्स, पंच कार्ड, क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स था। आप शायद कह सकते हैं ना कि शायद ऐसा इतना कॉम्प्लेक्सिटी थी कि हीट भी खूब करता था, कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता था, इसमें प्रॉब्लम थी। देखिए ना, आपके सामने डायग्राम दिख ही रहा होगा, आप इसी से कल्पना कीजिए कैसा कंप्यूटर रहा होगा। फर्स्ट जेन कोई दिक्कत, अंशु कुमार समझ में आया कि नहीं, इसमें सभी तरह का ट्रांजिस्टर्स, T1 मैंने कर दिया, रेसिस्टर्स, T1, T2, T3, T4, T5, T6, अब यहाँ पे रेसिस्टर्स ले लीजिए, बहुत सारा आप कह सकते हैं ना, रेजिस्टर, R1 कर दीजिए तो लिखने बनेगा, R1, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी पाइस को सेंड कर दीजिए, अंशु डू फास्ट, सेंड कीजिए। तो ये क्या था, आपके सामने दिख गया, इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग यूज करते थे, ठीक है। चलिए सेंड कर दिया आपने, अब आइए नेक्स्ट, फीचर्स क्या थे, विशेषता क्या थी इसकी। देखिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा था वैक्यूम ट्यूब को, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब। नंबर 2 क्या, अनरिलायबल था, अविश्वसनीय थे, अविश्वसनीय। सपोर्टेड मशीन, सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट कर रहा था, मशीन लैंग्वेज। कॉस्टली क्या था, बहुत महंगा था, शायद एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि उस चीज को कर सके। जेनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न करता था, गर्मी उत्पन्न करती थी। सो इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखाता था, बहुत बड़ा साइज था, एक गोडाउन में आता था, इसमें एसी की जरूरत पड़ती थी। ये क्या था, नॉन पोर्टेबल था, आम आदमी इसको कैरी नहीं कर सकता, आम आदमी एक लगा नहीं सकता है, और आपको घर का एक रूम इसके लिए अलॉट करना पड़ेगा इस कंप्यूटर के लिए। सोचिए, आदमी के रहने के लिए जगह नहीं हो, एक रूम एक कंप्यूटर के लिए, तो संभव कहाँ से होगा, पूरे हाजीपुर का इलेक्ट्रिसिटी इसमें लग जाता होगा, यानी कि सब का घर का लाइट बंद करके आपका कंप्यूटर चल रहा होगा, तो क्या कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का बहुत बड़ा इसके कारण थे।
इस कंप्यूटर लॉन्च हुआ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे ना उसके नाम क्या क्या है, देखिए पहला कौन सा है एनेक, दूसरा क्या है एडवेक, ये सभी हैं फर्स्ट जनरेशन के ही क्लास, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा ये सभी है उसी का, देखिए फर्स्ट जनरेशन का ही एनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एनालिसिस कंप्यूटर, एडवेक, फिर यूनिवैक, फिर आईबीएम 701, आईबीएम 650, ये सभी क्या है फर्स्ट जनरेशन में इस तरह के नाम कंप्यूटर आए थे इस तरीके से, ठीक है। आप एक दो का फुल फॉर्म एनेक का लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर, अंशु सेंड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एनालिसिस कंप्यूटर एनेक आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एनालाइज, ये आपका फर्स्ट जनरेशन था। देखिए सेकेंड जनरेशन क्या था, द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन का जो दौर था वह 1959 से 1959 टू 1965, 1959 से 1965 का दौर था। इस समय काल में, इस कालखंड में ट्रांजिस्टर्स जो यूज किए जा रहे थे बहुत सस्ते यूज किए जा रहे थे, इसमें क्या था विद्युत की खपत, बिजली की खपत कम होती थी, इसके साइज क्या थे बहुत कॉम्पैक्ट था, लेकिन अभी भी ये रिलायबल उतना लोगों के भरोसा के लिए लायक नहीं था, फास्टर तो थे, जनरेशन पहले से भी थोड़ा यूज हुआ, लेकिन अभी भी तो प्रॉब्लम वही था कि इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा यूज होने, अभी भी यह यूजर फ्रेंडली नहीं था, हाँ पहले से थोड़ा फ्रेंडली हुआ फर्स्ट जनरेशन से। इस समय में जो कंप्यूटर्स आए देखिएगा क्या विशेषता थी इसकी, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लगे तो पावर क्या होगा कम यूज होने लगा, नंबर वन। सेकेंड क्या, रिलायबल इन कंपेरिजन, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा साइज क्या हो गया इसका छोटा हो गया, किसके कारण छोटा हुआ, स्मॉलर साइज इसके ट्रांजिस्टर्स के कारण। फिर क्या है, जो हीट ज़्यादा उत्पन्न करता था किसके अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन में, क्या होने लगा कम होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बता ही चुके हैं क्या होने लगा, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकेंड जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होने लगी। फिर अभी भी लेकिन कॉस्टली था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, अभी भी इसमें एसी की जरूरत थी, और अभी भी यह मशीन, और मशीन के साथ साथ एक और चेंजिंग हुआ, बदला हुआ, क्या असेंबली लैंग्वेज को इसने सपोर्ट करने लगा। अब देखिए इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था आईबीएम था, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लिख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम 1620, आईबीएम 1620, आईबीएम 7094, सीडीसी 1604, सीडीसी 1604, सीडीसी 3600, और लास्ट में है यूनिवैक, ठीक है अंशु, यस लिख लिया आपने, चलिए वेरी गुड। तो ये हमारी बात हुई थी सेकेंड जनरेशन, अब देखिए थर्ड जनरेशन क्या, अब कह सकते थे यहाँ से अब लोगों के पास कंप्यूटर आने लगा, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया, कुछ एक के पास, कुछ लोगों के पास कंप्यूटर आने लगे, कब थर्ड जनरेशन यानी कि द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, तीसरे जनरेशन का जो दौर था 1965 से 71, 1965 to 1971, इस जनरेशन में आप कह सकते थे किसको यूज किया जाने लगा, आईसी को। तो आईसी क्या था, एक सिंगल, मैंने बता ही दिया एग्जांपल से, एक सिंगल कंपोनेंट होता है जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर को क्या करता है, होल्ड रखता है, कंटेन करता है, रेसिस्टर्स को भी रखता है, मैंने अभी आईसी का डायग्राम भी बनवा दिया आप लोग। तो क्या है, आईसी के कारण आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ी बदलाव हुई जिसकी कल्पना शायद किसी को न हुई हो। वह बदलाव क्या हुआ कि अब उसका साइज क्या हुआ, पहला नंबर छोटा, एक टेबल पे आने लगा, यानी थर्ड जनरेशन का सिस्टम, देखिए यही
पहले की अपेक्षा थोड़ा इसमें चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ। देखिए ठीक है क्लास, देखिए आपके सामने अंशु, ये क्या था? थर्ड जनरेशन था, क्या बोलते हैं इसको? अंशु थर्ड जनरेशन लिख लीजिए, थर्ड थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, अब एक टेलीविजन के रूप में आ चुका है। अब आप आसानी से इसको अपने एक टेबल पे रख के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये टेबल का पूरा साइज कवर कर रहा है। लोगों को तो बदलाव चाहिए ना ज्यादा, लेकिन अभी भी क्या यह हर आदमी के लिए कैपेबल था कि माथा पे ढो के चले जहां जाए वहां पे? संभव नहीं था। तो अब लैपटॉप का जो जनरेशन आया मैं उसी पर चर्चा करूंगी, तो पहले तो इसको समझ लीजिए। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, आईसी का यूज ज्यादा होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण। अंशु क्या हुआ, इसको सेंड कर दीजिए, अंशु पहले सेंड कीजिए। थर्ड जनरेशन इसके कारण, आईसी के कारण क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत कम मात्रा में यूज करने लगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होने लगी, आपका स्पेस कम यूज होने लगा, आया महंगाई थोड़ी कम गई, यानी अब थोड़ा सस्ता हो गया, एक आम आदमी भी अब ले सकता है। अंशु सेंड कर दिया आपने? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए जो चीज मैंने कहा, इस जेनरेशन में जो कंप्यूटर थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोसेसर और IBM 3701, ये क्या थे? उस दौर के कंप्यूटर का जेनरेशन का नाम था केसी जेनरेशन है, TDC 316, ये सभी थर्ड जेनरेशन के नाम। अब देखिए फोर्थ जेनरेशन तो क्या है, द पीरियड ऑफ फोर्थ जेनरेशन वाज फ्रॉम, चौथा जो जेनरेशन था आप कह सकते हैं कि इस वास्तविक में कंप्यूटर का यहीं से सूत्रपात हो चुका था, यानी 1971 से 1980 यानी 1980 के बाद जो भी इनोवेशन होते हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन में आएगा, लेकिन 1980 के बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंप्यूटर्स में क्या होने लगे, कम यूज होने लगे, स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होने लगे, कम मात्रा, इसमें ट्रांजिस्टर्स क्या होने लगा, बहुत, इसमें सर्किट का एलिमेंट क्या होने लगे, कम, सिंगल चिप क्या होने लगा, एक चिप लगने लगे, कहीं ना कहीं इस कारण इसका यूज बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, इसमें क्या फायदे हुए, पहले तो VLSI टेक्नोलॉजी आ गया, दूसरा क्या हुआ, बहुत सस्ता हुआ, तीसरा क्या हुआ, पोर्टेबल हो गया, रिलायबल हो गया, चौथा क्या हुआ, आपके पर्सनल कंप्यूटर के रूप में। आप कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, फोर्थ जनरेशन PC जिसको बोलते हैं, और साइज भी स्मॉल आने लगा, पाइपलाइन प्रोसेसिंग होने लगी, लेकिन इसमें AC का जरूरत, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट आ चुका था इसमें, फोर्थ जनरेशन। डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड नेटवर्किंग आ चुका था, कंप्यूटर्स क्या होने लगे, उपलब्ध मार्केट में होने लगे, लोग लेने लगे। जो उस समय का कंप्यूटर था उसका नाम क्या कहता है, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे एक्स एंटी सुपर। क्लियर है क्लास? अब देखिए फिफ्थ जनरेशन क्या थे, द पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज 1980 टिल डेट। इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी विकेम द अल्ट्रा, मैंने बताया दिया VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग अ चेन ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज सॉफ्टवेयर। AI इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स द मीन्स एंड द मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बींग्स। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++, जावा, .NET एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। अब देखिए जो फिफ्थ जनरेशन आपका था यह 1980 से लेकर अभी तक का जो जनरेशन चल रहा है, अभी जो भी जनरेशन आपका लैपटॉप हो
एक्सटॉप हो, जो भी जनरेशन चल रहा है, कौन सा जनरेशन है आपका? फिफ्थ जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है अंशु? फिफ्थ जनरेशन। इसमें क्या हुआ, एक तो प्रोसेसर हाई हो गए, अल्ट्रा वायलेट हो गया, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिडेबल होने लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा, लो इसको महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल करने लगे। किस में? फिफ्थ जनरेशन आएगा कि आ चुका है और इंडिया में नहीं आए, ऑलरेडी उस पर वर्क हो रहा है। अब जो सिक्स जनरेशन आएगा, आप मान के चलिए वो आपका एआई बेस्ड होगा, बिल्कुल आएगा। देखिए बदलाव किस में होगा, टेक्नोलॉजी नहीं बदलाव करेगा, सबसे बड़ा परिवर्तन तो वही होता है ना, अपडेट। आईटी जितना अपडेट मांगता है उतना कोई अपडेट होता है क्या? टेक्नोलॉजी बदलते रहता है। सिक्स जनरेशन आने की संभावना है, बहुत जल्द आ भी जाएगी, आ भी चुका है। देखिए तो क्या है, अभी आपका फिफ्थ जनरेशन में क्या है, आप कह सकते हैं एआई का यही बाना हो चुका है आपका, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आप कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने लगे, आपने सी सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स को यूज करने लगा, आपने कंपाइलर को यूज करने लगा आप। ये सारी चीज आपको समझने की चीज है। अब कह सकते हैं कि इसमें आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला तो फिफ्थ जनरेशन जो है रोबोटिक्स, सेकेंड न्यूरल नेटवर्क भी कर सकते हैं, थर्ड आपका गेम प्लेइंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक अ डिसीजन रियल लाइफ सिचुएशन, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इसका फीचर्स क्या है, देखिए पहला तो क्या फीचर्स है, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी जो डेवलपमेंट है बहुत ही ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग है। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवांस इन सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोर यूजर इंटरफेस ली है, यूजर ज़्यादा इसे इंटरेक्ट हो सकता है, अवेलेबल है मार्केट में, सस्ता है। और इस जेनरेशन में जो जो कंप्यूटर आते हैं कौन कौन आते हैं, फिफ्थ जेनरेशन का ही पार्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन में ही आता है लैपटॉप, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं नोटबुक, फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है अल्ट्रा बुक, और अभी आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम बुक, क्रोम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आ चुका है, यानी गूगल क्रोम बेस्ड आपको कंप्यूटर मार्केट में आ चुका है, जिसमें हार्ड डिस्क का कंसेप्ट नहीं है, सब सर्वर पे रहता है, क्रोम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी फिफ्थ जनरेशन के हैं। हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट वीक में हम लोग जो डिस्कस और हम लोग की चर्चाएँ होंगी होगी टाइप्स, हर तरह का कंप्यूटर किस किस तरह का होता है। अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूं ताकि आप लोग बना सकें। अंशु असाइनमेंट बनाकर जैसे आप कंप्लीट इसको सेंड कर दीजिए पहले, अंशु कुमार डू फास्ट, फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन इसको सेंड कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया सर। वेरी गुड, अब असाइनमेंट दे दे रहे हैं, ध्यान दीजिए और असाइनमेंट बनाकर आप सेंड करेंगे कितने बजे तक, अंशु कुमार कितने बजे तक बनाकर सबमिट करना है? 2 बजे। टाइम देखिए, हाँ टाइम सामने लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड, आप बताइए कि पहले से बेटर एनी डेस्क बेटर है कि ये ज़्यादा सही है, सो बताइए। सर यही ठीक है, इसलिए आप ही लोगों के लिए टेक्नोलॉजी चेंज करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं, बाद में जाकर कुछ और नए चीजों का बदलाव होगा। फर्स्ट एक्सप्लेन, और आप असाइनमेंट बनाते क्यों नहीं है बिट्टू कुमार? तो फिर दोबारा भी जब जब देंगे उसको बनाइए, ऐसा नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनाना है। एक्सप्लेन द जेनरेशन ठीक है क्लास,
थोड़ा सा गलती हो गई. एक्सप्लेन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विथ एग्जाम्पल. और असाइनमेंट बनाइए, जब तक बनाएंगे नहीं. देखिए थ्योरी का भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, किसी की भूमिका को आप कम नहीं कर सकते हैं कि इसकी कम भूमिका है उसकी ज़्यादा भूमिका है. सबका अपना अपना एक स्थान होता है, इसलिए आप लोग सभी चीज़ को कीजिए. रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, सो प्लीज़ आई विल टॉक टू यू लेटर. ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव. एक्सप्लेन सेकेंड एक्सप्लेन थर्ड एक्सप्लेन फोर्थ एक्सप्लेन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन आईसी. मैंने आईसी बता चुका हूं ऑलरेडी, भी कुछ डिस्कस भी किया. डायग्राम बना लीजिएगा विद एग्जांपल. आईसी बता, आईसी का तो हम करा चुके हैं ना अंशु. क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर्स विद एग्जांपल. Explain explain the computer with architecture. इसको सेंड कर दीजिए जरा जल्दी से, डू फास्ट. अंशु कुमार इसको सेंड कर दीजिए. टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं क्लास, टोटल क्वेश्चंस मैंने दे भी चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से आप बना पाएंगे, है ना. क्वेश्चन कटा हुआ तो नहीं है, देख लिए होंगे. टोटल क्वेश्चंस दिख भी रहेंगे, सही से फिर से सेंड कर दीजिए. क्वेश्चन कटा हुआ था तो क्या करेंगे क्लास, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, और आप सभी इस टोटल क्वेश्चंस को बना के सॉल्व करके और 2 PM से पहले आप अभी बना के कंप्लीट कर लीजिए जाके उधर, है ना. ये लेक्चर नोट्स आपको मिल चुका होगा, आई थिंक मिला है ना, आप कंप्लीट कर लेंगे. ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.